300 रुपए मैंने पेनल्टी पेनल्टी और आपने अभी इनसे भी कहा कि 300 रुपए अगर आप मैं देते हो तो मैं सीट देता हूं। पूछा ही नहीं, मैंने मांगे ही नहीं। पूछे थे हमसे, पूछे थे भाई मेरी आंसू पहले पहले जब आंटी बैठी थी। हे हेलो फ्रेंड, थोड़ी सी समस्या ये है एक्चुअली, मैं कुछ बात करना चाहता था आप लोगों से कि अभी मैं जम्मू से वापसी जब आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो हम लोगों ने जो बस की उसका बस का जो स्टाफ था बहुत ही बदतमीज टाइप का था। तो आपको दिखाता हूँ बस में क्या क्या बात हुई कैसे हुआ, तो आप पूरी वीडियो देखिए जम्मू से। हेलो गाइस, एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने कैब जो करी थी, वोल्वो कर रखी थी, उसमें थोड़ी समस्या आई मुझे खुद बाथरूम आया था, सुसु आया था और प्रेशर इतना बड़ा हुआ था कि गाइस मैं कंट्रोल आधा घंटा पहले बोला इन्होंने कि आधे घंटे बाद रोक देंगे हम लोग, लेकिन आधे घंटा रोकने के बाद यार आधा घंटा क्या पौने घंटा हो चुका, बट इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं लोगों ने, और गाड़ी नहीं रोकी तो बहुत बड़ी समस्या ये थी कि बहुत बड़ी समस्या ये थी कि बाथरूम बहुत तेज आ रहा था। अब यार जब बाथरूम आते तो आप क्या करोगे, और इसलिए मैंने भी यही करा, मैं आगे गया उतर के, मैं कहा यार भाई प्लीज़ रोक दो यार। कहते हैं 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट, व्हाट इज दिस यार, जब मेरे को बाथरूम आ रहा है मेरे को प्रेशर बना हुआ है यार, मैंने ऑलरेडी आधा घंटा वेट करा उस चीज़ का और आप मुझसे कहते हो कि 15 मिनट 10 मिनट। सो उसके बाद क्या हुआ, हमने जबरदस्ती रुकवाई उससे गाड़ी। उसके बाद सरदार जी यूँ कहते हैं कि तुमने वापसी आने के बाद तुमने हमें गाड़ी दी, मतलब हमने गाड़ी रुकवा दी इसलिए हमने गाली दी। ओके, कहते हैं आपने हमें गाली दी और बकवास किया हमारे साथ एनी थिंग, और फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें बीच में से फाड़ दूँगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे से, उल्टी जो भी है एनी थिंग जो भी बातें कर रहे थे। मैं कहा भाजी छोड़ो इन सब चीज़ों को, कुछ नहीं रखा। तो उन्होंने अपने ऑफिसर को शायद फ़ोन मिलाया जब भी है, तो अभी देखते हैं क्या बात होती है। गाइस कंटिन्यू रहे, और एक्चुअली इंडो कैनेडियन बस हमने करी थी ताकि पूरी हमें सुविधा मिले, सारा कुछ सिस्टम वाइज मिले, बट कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं आपको दिखाता भी हूँ बस किस टाइप की। ये जो सामने बस खड़ी है यही है। तो फ्रेंड एक्चुअली क्या था, सेम प्रॉब्लम थी बाइक को भी, 12 टायर था बट करने नहीं दिया, प्रॉब्लम थी। लेकिन यार व्हाट इज दिस, जब आप लोग पे कर रहे हैं, हम लोग 900 रुपये ईच पे करा है, हम लोगों ने 2700 रुपये दिए हम लोगों ने, और एक छोटे बाथरूम के लिए आप यार मना कर रहे हो, हमें कहते हो आधा घंटा एक घंटा, व्हाट इज दिस। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से, और मेरा खुद ही दिल नहीं मानता कि मैं अगर फैमिली को लेके आता हूँ या कैसे ले सकता हूँ, तो मैं तो पसंद ही नहीं करूँगा अगर ऐसा सीन है तो वोल्वो। मैं उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने इसलिए इस बार फ्रेंड को सजेस्ट किया कि वोल्वो करते हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटेड यार, ख़ास करके ये जो नाम लिख रखा है इन्होंने साइड में लिखा हुआ आ रहा होगा, पूरे देश यार आई हेट। तो गाइस चलो आगे देखते हैं, अभी बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर तक जाना है, आगे क्या होता है आपको कंटिन्यू रहना, हम लोग पूरी वीडियो देखें और देखते आगे क्या क्या होता है। एक्चुअली हम लोग अभी रुके हुए हैं खाने के लिए एक रेस्टोरेंट, जहाँ इनका इनकी शेयरिंग होती है, इनका हिस्सा होता है, जो भी है जहाँ मर्जी है वो रोकते हैं अपने मर्जी से, आपका पसंद आपकी पसंद कोई इशू नहीं है, वो अपनी जगह रोकते हैं जहाँ इनका ठिकाना होता है कि यहाँ पे रोकें हमें परमिशन मिले, वैसा कुछ सिस्टम है। वही चलते हैं आगे, आगे का सफ़र ही बताऊँगा, अभी बहुत टाइम लगना है। फ्रेंड एक और एक्चुअली एक और समस्या सामने आई इस बस में, एक्चुअली बुजुर्ग आंटी जी थे तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सीट पे किसी और सुला दो। एक्चुअली पीछे क्या है, बैक साइड में आपको पता है झटके लगते हैं बस में,
तो दिक्कत होती है। तो भैया ने कहा कि भैया एक काम करो, सीट चेंज कर लो। तो भैया कितने पैसे मांग रहे हो एक्स्ट्रा? भैया 300 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा हो सीट चेंज करने के ओनली, मतलब अपनी दिहाड़ी बढ़ाना चाहता हो। क्योंकि यार अगर बाई चांस सीट खाली है तो आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, बुजुर्ग है, मैं खुद देने को तैयार हूँ अगर हमारे को दिक्कत। लेकिन बैक साइड में सीट है हमारी खुद। तो फ्रेंड प्लीज़ यार जितना हो सके ना सब्सक्राइब करो। ये जो भी है ना बहुत सारी समस्या है इस बस में, और मैं तो इस बस में बैठने के बाद इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं कभी बोलो बैठना ही पसंद नहीं करूँगा कसम से। तो गाइस प्लीज़ यार तुम भी अवॉइड करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना करना यार उससे, मतलब जित के ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और वही ये फैमिली सामने फेस कर रही है हमारे। गाइस जय हिंद जय भारत, तो और क्या कहेंगे। तो पाजी खाली पड़ी है, चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है? उन्होंने फाइन भरा है मैडम, फाइन किस चीज का भरा है? सीट चेंज करने का। सर सीट चेंज करने का फाइन कब से भरा? पाजी मैं अपनी मर्जी ना नहीं चेंज कर सकता। हां जी मैंने एक्चुअली ये सरकारी किसका जी चेंज करना सर? चेंज पे फाइन लगेगा या कुछ है? तेरे से क्या मतलब है सर? तमीज से आपसे बोला सर, बाजी आपसे बोला है, आपसे कोई मतलब नहीं, इज्जत से बोल रहे हैं हम तो बाजी आपसे इज्जत से। मैं भी इज्जत से बोल रहा हूँ बाजी ने, जो आप वीडियो बना रहे हैं ना बाजी, ये किस लिए बना रहे हैं जी बताओ? वीडियो बनाई जी आप देखो जी, मतलब ये बुजुर्ग आंटी है, उन्हें बुजुर्ग आंटी सर जी, मैं तो नहीं सीट की थी ना। तो पाजी एक चीज बताओ, अगर ले ली गलती से, हाँ जी पाजी आपका ऑप्शन है, आप देख के खाली हो भी तब मैं चेंज कर सकता। पाजी है आपके पास ऑप्शन है, आपने अभी कहा 300 रुपए मैंने पेनल्टी पेनल्टी, और आपने अभी इनसे भी कहा कि 300 रुपए अगर आप मैं देते हो तो मैं सीट देता हूँ। पूछे नहीं मैंने, मांगे ही नहीं, पूछे थे पहले पहले जब आंटी बैठी थी, मैं पैसा नहीं पूछा आपसे, बिल्कुल फ्री में बोला था मैडम आगे आ जाओ, आप पूरी रात कैसे जाओगे? पाजी हम आंटी से खुद पूछ रहे हैं मैडम, बताओ आपसे पूछा था मैंने मैडम, मैंने आगे उस टाइम बोला आप थे नींद में। फ्रेंड देख सकते हो यार जय हिंद वाली बात है, बस भैया हमारे में भी गुस्सा हो रहा था, बाथरूम के लिए परेशान होते थे। अभी आपने गाल निकाली थी बहन की, गाल कोई नहीं कर रहे हो आप मुझे। हाँ मैं कहूँगा जब बहन की गाल तो कटेगा, मेरे ने कोई गाल नहीं, मेरी गाल सुनो भाई, नहीं बहन की गाल कोई नहीं सुनेगा बाजी, हमने आप सुनोगे? हमने दी नहीं आपको, दी नहीं अम्मा खामो कोई बात कोई नहीं आंटी, अम्मा जी आप ऊपर आ जाओ, कोई अगर दिक्कत हो जाओ तो बाजी ऊपर उन्होंने आन की प्रॉब्लम नहीं, और अगे कह रहे हैं बाजी आप अगे कौन सीट देगा? एक चीज हम आपके शायद कस्टमर है पहली बार है ना, कौन सीट देगा भाई आगे? आप हमें तू तड़क करके बोल रहे हो, छोड़ो हम तो चलो यार मैं क्या कहता हूँ, मैं चलो साबित क्या करेगा तू कुछ भी कर यार, चाहे ना कर यार, मैं किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहा, ना तो मैंने इनको सीट दी है ना मैंने टिकट काटी है इनकी, देख आगे सीट कोई खाली नहीं, मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके ओके सर, कोई है जजमेंट होने नहीं है सर, सॉरी बोलो यार हम आम पब्लिक है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सेलिब्रिटी है नहीं, हम कोई एक्टर नहीं, हम कोई यार एमएलए नहीं, कोई वो नहीं, तो हमें समस्या है ना। तो एक काम करते हैं ना, वोल्वो वालों को छोड़ देते हैं एमएलए और सेलिब्रिटी के लिए है ना, हम आप आदमी बंद कर देते बैठना, शायद पैसे ज्यादा कमा लिए उन्होंने। इस वीडियो को ना फाड़ दो, तो तुम्हारे सामने की बात है सारी कुछ, तो धुआं उठा दो यार, चलने दो इसे, क्योंकि इनके बारे में इनकी बदमाशी है, गुंडागर्दी शायद हो सकता है, झगड़ा भी हो और ये मुझसे लड़े भी, मुझे पेटे पता नहीं क्या क्या अभी ब्लेम लगाएंगे, तो गाइस देख रहा मजा आ रहा है, वो देखेंगे डरते नहीं यार, मुझे रखी है यार ने देखेंगे, वो देखते हैं पाजी क्या कहते हैं। सर मेरी बात सुनो, मैंने आपको कुछ गलत बोला पहले? बोलो, आपने वॉशरूम के लिए बोला, हमने बोला कि 8 मिनट, आज रात को जागरण होने वाला कुल मिला के, क्यों भाई जी अभी भी आए हमें ही धमका रहे हैं, तो जागरण करते हैं भाई, देखते क्या होता, हमें कोई इशू नहीं यार, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, लेकिन प्लीज़
जो भी बंदे आते हैं आप उन्हें ढंग से यार ट्रीट तो करो। हो सकता है यार वो लोग मजबूर भी आते हो, किसी नहीं किस टाइप से आते हो, किस टाइप से जाते हो, हम तो ये कह रहे हैं कोऑपरेट तो करो यार। आप लोगों हमारी हेल्प के लिए बैठाया गया है, ना कि आप हमारे से उल्टी सीधी बातें करो। चलो हमारी गलती हो गया, मैं बाथरूम आ गया है ना, थोड़े कुछ गलत तो नहीं बोला था, लेकिन ये सब गलत है यार मेरे हिसाब से। बाकी जो भी देखते हैं, जो भी डिसाइड होता है, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या समस्या होती है वो भी देखना, पूरी वीडियो देखना, क्यों बहुत ही मज़ा आने वाला। मज़ा क्या हो सकता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, चलते हैं यार देखेंगे। ऊपर से फ़ोन करके उसका सीनियर मुझे किस टाइप से धमकाता है और अपने स्टाफ को बताता है कि वो राइट है, ये सुनिए। हाँ नीचे नीचे बैठे हैं लेडीज। फाजी कैसे तो अच्छा पाजी आपसे ये किसने कहा कि कंप्लेन, मतलब हमने तंग किया? हाँ जी पाजी ठीक है। अच्छा पाजी एक चीज बताओ, आप जो बात कर रहे हो, कह रहे हो मुझसे कि आप तंग कर रहे हो सवारी को, है ना, एक काम करता हूँ मैं आपको सवारी, नहीं नहीं आपको, सर सुनो सुनो सुनो, आपको किसने कहा पाजी, किसने कहा पाजी ये बात ना सुनो, या तो आप सुनो, आप अपने कंडक्टर की सपोर्ट ले रहे हो। हाँ कंडक्टर की बात मैं बता रहा हूँ, आपसे ये बात कही ना, मैं नीचे जो सवारी जो बैठी है ना, सर सुनो 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 पाजी सुनो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये बता रहा हूँ पाजी, उन्होंने सिर्फ मेरे से जो बदतमीजी की ये बात की, जो भी उन्होंने मेरे से कहा कि मैं बीच में फाड़ देता हूँ आपको, उन्होंने चलो कृपान रखा है गुरुदेव जी, मैं भी देखो मतलब गुरु नानक जी को बहुत मानता हूँ, मैं हर उसमें जाता हूँ गुरुद्वारे और बंगला साहब हो गया, बहुत जगह जाता हूँ मैं, एक्चुअली मैं खुद नहीं, सुनो पाजी नहीं, मैं पाजी सुनो, मैं हिंदुस्तान में ना पूरी जगह ट्रेवल करता हूँ और मेरा खुद का ना चैनल है, लेकिन मैं जो सुनो, आप जो बात मेरे पे बिलीव डाल रहे हो ना कि मैंने नीचे से बोला नीचे किसी को, नहीं। हाँ हाँ पाजी हाँ जी पाजी, अगर मैंने इन पाजी को तंग किया हो, मेरे सामने बैठे हैं तो मैंने नीचे किसी कस्टमर को आपके तंग किया हो तो मैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे पाजी सुनो, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने कैमरे की, मैं देखो कुछ गलत करूँ गलत बोलूँ नीचे, आप बता, आपने मेरे से पता क्या कहा? नहीं नहीं लेकिन आपने एक चीज बताओ आप, अच्छा चलो आप एक पाजी एक से पाजी एक मिनट, अच्छा पाजी आप हो चाहे ओनर हो, आप मालिक हो, आप गाड़ी के मालिक हो, लेकिन आप दोनों तरफ ही सुनोगे ना, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि यार आपके ग्राहक भगवान है नहीं है, अगर ग्राहक नहीं, हाँ जी पाजी हाँ जी पाजी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपकी बात सड़क हो पे, नहीं पाजी जो आपने ये मेरे से कहा कि नीचे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे से, आपने ये बात कही ना, मैं नीचे एक सही ना पाजी एक मिनट यार आप सुन नहीं रहे, मैं नीचे बात करवाता हूँ पाजी सुनो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मैं दूसरे से बात करवाता हूँ। अरे पाजी पाजी टेंशन ना लो यार, ऐसी कोई गल नहीं है, हम तो आपस में बातें कर रहे हैं, पता है क्या, देखो सुनो, हाँ बात करो तो सुना, कहते हैं हम यार हम नॉर्मली सो रहे हैं लेट रहे, नीचे सवारी को प्रॉब्लम हमने बोल दिया तो कहते हैं आप कंडक्टर को परेशान करो, बताओ ये कोई बात यार, अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला, आप कंटिन्यू बने रहे।
मजा लें, मज़ा नहीं सॉरी यार, इन्जॉय करें एक्चुअली। देखें वीडियो क्या क्या दिक्कतें होती हैं वोल्वो के अंदर हमारे को। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना फैला दो कि उसके ओनर तक ये पता लग जाए कि यार आम पब्लिक चीज़ क्या होती है, ताकि किसी और के साथ ऐसा बिहेव ना हो, ऐसी समस्या ना हो बस के अंदर। क्योंकि हम लोग जब बस करते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट टैक्सी करते हैं, प्राइवेट गाड़ी करते हैं, लेकर जाते हैं, हम लोग जाते हैं उस पर बैठ के, तो बहुत ही कुछ सोच कर चलते हैं हम लोग। तो गाइज मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, और कोशिश तो मैं मतलब मन में एक वो था कि बोलो मैं जाऊँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। उससे बकायदा पहले जिसमें बस में दिल्ली से वहाँ गया उसमें मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, बट यहाँ पर हुआ। तो मैंने कहा कि चलो यार शेयर करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई अगर बस में ट्रेवल कर रहा है तो उसके साथ ऐसी समस्या है। और मैं तो उसके ओनर से ये कहूँगा कि अपने कंडक्टर को समझाए, अपने ड्राइवर को समझाए कि यार बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी अब। तो गाइस इसे जितना फैला सकते हो फैला दो, ताकि उसके ओनर तक बात पहुँचे। जय हिंद जय भारत।